सुनील कुमार यादव का अभिवादन स्वीकार कीजिए और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सुनील। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही रोचक है। एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा भारतीय खिलाड़ी जो दो दो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो और वह भी इंटरनेशनल लेवल पर। हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी की कहानी बता रहा हूँ जिसने भारत के लिए क्रिकेट भी खेला और हॉकी भी खेला और दोनों ही खेलों में उसने भारत का इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिनिधित्व किया। जी हाँ दोस्तों, इस खिलाड़ी का नाम है MJ गोपालन। MJ गोपालन का जन्म 6 जून 1909 को चेन्नई में हुआ था और 21 दिसंबर 2003 को इनका देहांत हो गया था। दोस्तों, कितना सुखद अवसर होगा वह जब एक खिलाड़ी का एक ही समय में दोनों टीमों में और इंटरनेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ हो। हाँ दोस्तों, बात है 1936 की, जब बर्लिन ओलंपिक होने वाले थे और बर्लिन ओलंपिक की टीम में MJ गोपालन का भारतीय टीम में चयन हुआ था और 1936 में ही MJ गोपालन का इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज होने वाली थी और उसमें भी उनका चयन हुआ था। MJ गोपालन काफ़ी सोचने के बाद, बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड जाना निश्चित किया और क्योंकि क्रिकेट उनका पहला प्यार था। दोस्तों, वह बर्लिन ओलंपिक नहीं गए, वह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। वह कहते हैं कि मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी भूल थी वह यही थी कि मैंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक को छोड़ा और यदि मैं आज बर्लिन ओलंपिक में खेलने गया होता तो भारतीय टीम ने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। और उन्होंने 1936 में जो इंग्लैंड में सीरीज हो रही थी उसमें खेलने का निश्चय किया क्योंकि उनका वो क्रिकेट पहला प्यार था और उस मैच में वह प्लेइंग 11 में भी नहीं उतर सके, वह बेंच में ही बैठे बैठे वापस आ गए। दोस्तों, MJ गोपालन जो थे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और क्रिकेट में वह एक ऑलराउंडर के रूप में थे और हॉकी में वह जो थे वो सेंटर हाफ की पोजीशन पे खेला करते थे। MJ गोपालन ने भारत के लिए एक टेस्ट मैच खेला था, जो टेस्ट मैच खेला उसमें 1934 में कलकत्ता में हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें उन्होंने उस टेस्ट में अपना डेब्यू किया था और उस मैच में उन्होंने 18 रन बनाए थे और एक विकेट लिया था। भारत के लिए उन्होंने सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला था। ये थे MJ गोपालन, जिन्होंने भारत के लिए क्रिकेट और हॉकी दोनों में ही भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऐसी प्रतिभा का निधन 21 दिसंबर 2003 को हो गया था। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।